पता है मुझे कि ये आवाज़ और ये शॉट देखने के बाद आपको मुझसे बात करने और मेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम टेकिंग टाइम टू वेलकम यू इनटू द व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आर चैनल। यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स एंड टूडे यू गोइंग टू वॉच समवन एल्स ऑन काउंटिंग किलोमीटर्स। वैसे तो आप पहचानते होंगे इसको, इससे पहले कौन से वीडियो में देखा था सबसे पहले ये बताओ, कमेंट करो इसको इससे पहले कौन से वीडियो में देखा है। If you have not seen, it was one of the most successful videos on our channel, BMW और Benelli का, अपना Red Bull का पहला ऑफ रोडिंग दोनों बाइक्स का, उसका एक वीडियो बनाया था। उसमें एक छोटा सा कैमियो था, मतलब गेस्ट विजिट दिया था स्वप्निल ने। सो प्लीज़ वेलकम वंस अगेन स्वप्निल वाजे फ्रॉम करजत, और करजत की इकलौती हार्ले डेविडसन, विच वन इज दैट, स्ट्रीट बॉब डायना, स्ट्रीट बॉब डायना। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसका नाम भी आज ही पता चला है, बट बाइक के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे ना, वीडियो के एंड तक थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। देयर इज़ वन मोर रीज़न कि मुझे स्वप्निल से आज बात करनी है। एक्चुअली मैंने इसको इनवाइट किया है यहाँ पे घर पे टू डिस्कस अबाउट समथिंग एंड टू शेयर सम वैल्यूएबल इंसाइट्स विथ यू ऑल, कि यहाँ तक पहुँचने की, हार्ली डेविडसन तक या फॉर दैट मैटर किसी भी प्रीमियम बाइक तक पहुँचने की जो जर्नी है ना, वो जर्नी आज आपसे शेयर करनी है। वैसे तो मैंने बहुत से अलग अलग राइडिंग बडीज़ के साथ अलग अलग राइड्स किए ऑन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, मतलब कॉलेज लाइफ में अलग लोगों के साथ घूमता था, फिर उसके बाद करियर स्टार्ट किया तब अलग लोगों के साथ घुमा हूँ, तो फिर अभी जब सिंसियरली मैं राइडिंग कम्युनिटी से कनेक्ट हुआ हूँ उसके बाद मैं अलग लोगों के साथ राइड्स कर रहा हूँ। लेकिन वन थिंग अबाउट मी एंड स्वप्निल विच इज़ कॉमन, कि हम राइड फ्रॉम द फर्स्ट फेज टिल दिस फेज हम साथ में हैं। हमने राइडिंग एक साथ शुरू किया था, एक ही तरह से एक ही टाइप की बाइक्स पे शुरू किया था, एंड वी आर द टू पीपल जो हमारे उस टाइम के ग्रुप से, मेरे प्री कॉलेज, मतलब व्हाट यू कॉल दैट, हायर सेकेंडरी नहीं, क्या बोलते हैं उसको एक्चुअली, हाँ वी आर वैसे तो स्कूल फ्रेंड्स, लेकिन स्कूल में बाइक्स नहीं थी इसलिए मैं अपना जो जूनियर कॉलेज होता है 11th 12th स्टैंडर्ड, उस टाइम पे हम दोनों ने साथ में राइडिंग स्टार्ट किया था। तो ओवरऑल व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इज अपना जो राइडिंग जर्नी है, हाउ यू इवॉल्व्ड एज अ राइडर, मतलब स्टार्ट कहाँ से किया था। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज कि आपका जो फर्स्ट बाइक था, सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट वर योर मेमोरीज अबाउट दैट पर्टिकुलर बाइक, और उस पे आप जो घूमे हो, हाउ वाज दैट? दैट वाज लाइक अ ड्रीम बाइक, क्योंकि पापा ने गिफ्ट की थी वो बाइक, और बचपन में ये पहला सेम पॉइंट दोनों की फर्स्ट बाइक पापा ने दी हुई थी और वो मतलब ऐसा था कि मैंने मतलब बहुत पीछे लग के पापा की मुझे बाइक चाहिए बाइक चाहिए, तभी पल्सर का क्रेज था, लेकिन पल्सर बजट एंड एवरीथिंग वाज देयर, सो पापा ने मुझे फर्स्ट वो टीवीएस विक्टर का बाइक गिफ्ट किया था। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मेरे बारे में ये हुआ था कि पल्सर वाज लाइक, उसमें डिस्क ब्रेक होता है, डिस्क ब्रेक इज रिस्की, डिस्क ब्रेक वाली बाइक नहीं लेनी है, दैट्स व्हाई आई गॉट अ बजाज सिटी 100 एंड ही गॉट अ टीवीएस विक्टर जीएल, तो उस पे ओवरऑल माइलेज एंड एवरीथिंग वाज देयर, तो मतलब इकोनॉमी थी, तो पिताजी को भी ठीक है चलो बाइक चाहिए बाइक मांग रहा है तो चलो ये भी कुछ। मेरे को तो पहले वो टीवीएस का अपना बजाज का बॉक्सर मिलने वाला था तो मैंने दोस्तों को इसको उसको पटा के पिताजी को समझाया कि मुझे एटलीस्ट टीवीएस तो दिला दो तो टीवीएस मिला था मुझे, और उसके ऊपर वापस फिर जर्नी चालू हो गई बाइक्स की। उस टाइम पे जर्नी ऐसी होती थी, मेरे ख्याल से मुझे अभी तक याद है जो स्वप्निल ने एक बार बताया था कि एक टैंक फुल करके मिलता था और पूरा महीना उसमें गुजारना होता था, अगर महीने भर में वो टैंक खत्म हुआ तो आगे की जिम्मेदारी आपकी है, पॉकेट मनी में से बचाओ कहीं से भी भरो पेट्रोल, दोस्त है कोई है तो 20 रुपए का पेट्रोल डालो 10 रुपए का पेट्रोल डालो और उसके ऊपर फिर चलाओ, फिर टैंक हिला के देखो पेट्रोल है कि नहीं। उस टाइम पे शेयरिंग भी ऐसा रहता था ना कि अगर हम दोनों साथ में एक बाइक पे जा रहे हैं तो पेट्रोल आधा आधा शेयर करेंगे, और मैं आधा पेट्रोल भर रहा हूँ तो आधा टाइम गाड़ी भी मैं चलाऊंगा। सही बात है, तो दैट वाज लाइक कि मतलब वो दिन भी ऐसे थे, मतलब बाइक्स और ये सब मतलब सबको नहीं मिलती थी एक्चुअली, हम लोग क्वाइट लक्की थे कि हम लोगों को मिला और हम लोगों ने एंजॉय किया, तो वहाँ से हमारी जर्नी फिर चालू हो गई बाइक्स के लिए, बाइक टुवर्ड्स अफेक्शन बाइक के लिए। आई रिमेम्बर उस टाइम पे मैं जो पेट्रोल भराता था ना, करजत में पेट्रोल में मिक्सिंग होता है करके बहुत रूमर्स थे उस टाइम पे, तो करजत से चौक जाता था मैं विच इज 10 किलोमीटर्स अवे, और वहाँ जाके मैं 100 रुपीज का पेट्रोल भराता था, और 100 रुपीज के पेट्रोल में मेरी बाइक एक हफ्ता चलती थी, सो दैट वॉज माई बजट फॉर बाइकिंग, सिटी 100। यस, 100 रुपये का पेट्रोल भरो एक हफ्ता चलाओ, मतलब 4 हफ्ते का 400 रुपये, ये मेरा बाइकिंग का बजट था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2005-06। मैंने तो जो लॉन्गेस्ट राइड किया था, मैंने सिटी 100 पे लॉन्गेस्ट किया था वॉज तोरना फोर्ट, एक दिन में हम लोग यहाँ से निकल के तोरना फोर्ट जाके ट्रैक करके पूरा फोर्ट घूम के वापस उतर के रात को घर आए थे,
स्वप्निल हैड मिस दैट राइड, उस राइड पे नहीं था, बट व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, कौन सा लॉन्गेस्ट राइड या ऐसा कोई मेमोरेबल जर्नी? मेरा तो मतलब मेरा एजुकेशन आई एम एग्रीकल्चर, तो मेरा कॉलेज रत्नागिरी में हुआ था, फिशरीज कॉलेज, तो मेरा बाइक उधर ही था, तो रत्नागिरी से करजत, करजत से रत्नागिरी, विक्टर पे, विक्टर पे, वाह, तो मेरा रेगुलर वो चलता था। अरे हाँ यार, दैट रिमाइंड मी, मैं भी दापोली लेके गया था एक बार सिटी 100 को। सो अभी अभी दूसरा क्वेश्चन जो मुझे पूछना है, इट्स लाइक लेट्स से अपने पास बाइक्स थी, लेकिन वी वर नॉट द ओनली टू पीपल, अपने अपने साथ और भी दो तीन लोग थे जिनके पास बाइक्स थी, बट इफ यू लुक एट टुडे, इफ यू फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, नन ऑफ देम इज कनेक्टेड टू राइडिंग। एक्जेक्टली, तो हाउ हाउ डिड यू कीप दैट कनेक्ट, मतलब व्हाट वाज द इंस्पिरेशन कि मुझे राइडिंग छोड़ना नहीं है, बाइक पे घूमना है? इनिशियली इंस्पिरेशन वाज दैट ना कि धूम धूम मूवी। हाँ यार, वो तो मतलब एक पूरे जनरेशन का इंस्पिरेशन है, वो तो मतलब स्टार्ट ही हो गया। फिर उसके बाद अलग अलग कॉलेज में गए तो दोस्त मिल गए, बाइक्स आ गई, तो बाइक्स का वो मतलब लिगेसी तो चालू ही रह गया। फिर बाइक्स चाहिए, बाइक्स चाहिए, तो उसके बाद फिर मैंने मतलब विक्टर से अपग्रेड किया एवेंजर, उसके लिए भी आप ही थे, मतलब आपका ही देख के मैंने एवेंजर लिया था। एंड मेरा देख के मतलब मुझसे रिव्यू लेके इसने एवेंजर लिया, बट इट सो हैपेंड मैंने एवेंजर 4 साल में 1 लाख किलोमीटर चलाया, इसने मेरे ख्याल से 1.5 साल में 90,000 चलाया, 90,000 चलाया, क्योंकि डेली सफाले, या तभी मेरा काम मतलब जब चालू था सफाले में, चालू था तो करजत सफाले अप डाउन डेली होता था, ऑलमोस्ट डेली, इट्स अराउंड 300 किलोमीटर अप एंड डाउन। वो हो गया, फिर उसके बाद मैंने अपग्रेड किया RC 390 पे। हाँ, RC 390 का तो बस वो फुल फेड बाइक चाहिए था, धूम धूम से मतलब तभी लेना था, लेकिन बजट अगेन कंसर्न तो नहीं था, तभी RC लॉन्च हो गया इंडिया में KTM का, तो फुल फेड चाहिए था, मालूम नहीं था कुछ भी उसके मतलब फायदे, फिर ये मतलब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कुछ मालूम नहीं थे, मतलब उस वो आपके राइडिंग को सूट करेगा कि नहीं ये भी पता नहीं, बस फुल फेयर बाइक चाहिए, लेना है तो फुल फेयर लेना है। एंड इट वाज अ फर्स्ट जनरेशन RC 390, आई रिमेम्बर हैविंग ट्राइड इट, मैंने सिर्फ बाइक चालू किया और फर्स्ट गियर में उठाने गया ना, तो पीछे का टायर पूरा जगह पे बर्नआउट जैसा हो गया, आई वाज लाइक इसको मैं चला ही नहीं सकता, मैंने वापस स्टैंड लगाया, रख दी गाड़ी, उसके बाद मैंने फिर से इसकी RC 390 को टच भी नहीं किया था। वही वो एक बाइक हो गया, लेकिन वही एक बाइक है, मैंने ज़्यादा चलाया नहीं, 6 महीने में आई थिंक मैंने 4-5,000 किलोमीटर बस उसके ऊपर क्रैक किए। बट दैट्स व्हाट हैपेंस ना, आपको वो एक एक्सपीरियंस आया रहेगा कि यार ऐसी बाइक मैं नहीं चला पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा। एक बार मैंने पल्सर 200 लिया बजाज का, हाँ एनएस, तो वो एक साल में मैंने अराउंड 75,000 चलाया। वाह, का मतलब वर्ल्ड टूर किया क्या? वर्ल्ड टूर नहीं किया, लेकिन मेरा रत्नागिरी, अलीबाग, सफाले, ये ऑलमोस्ट डेली चल रहा था वो टाइम पे, और मतलब वो बाइक मैं एंजॉय कर रहा था, बहुत मजेदार पेपी बाइक थी वो, तो चलो कुछ काम भी नहीं रहेगा तो चलो निकल के ले पड़ो। फिर उसके बाद मैंने बेनेली पे अपग्रेड किया, दैट वाज अ बेनेली 600i, 600i, वाओ, तो उसका भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कि नए नए फ्रेंड्स मिल गए, टूरिंग चालू हो गया, फिर उसके बाद एक मतलब नेक्स्ट लेवल पे आ गया मैं टूरिंग के लिए, मतलब टूरिंग टूरर बाइक नहीं तो क्या बोलते हैं, स्ट्रीट फाइटर बोल सकते हैं उसको, नेकेड स्ट्रीट फाइटर, और 600 सुपर बाइक हो गया, एक सुपर बाइक क्लास में आ गया, तो उसका एक एक्सपीरियंस अलग ही था। So how is that experience from, let's break the journey over here, कि आपका 100cc से 600cc तक का जो journey है, how was the difference, आपने कैसे grow किया है, जैसा आपने बताया कि कौन सी bike ली है तो आपने बताया, बराबर है, but experience wise, मतलब how it impacted you as a rider, you as a person? First of all, I say it was an financial mistake, definitely. क्योंकि हम लोग बाइक्स लेते हैं, सब कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अपने को डिप्रिसिएशन बहुत मिलता है इसमें, डिप्रिसिएशन होता है, क्योंकि हम लोग अगर एक बाइक 1 लाख किलोमीटर एक साल में चला रहे हैं, 1.5 लाख किलोमीटर जो भी है, तो हम लोग वो तो लाइफ टाइम हम लोग को सपोर्ट करने वाली नहीं है, हम लोग किधर ना किधर हम लोग को उसको क्रैक करके दूसरे पर अपग्रेड करना है। करेक्ट। सो मैं कहूँगा, मतलब मेरा स्पेशल ये ओपिनियन रहेगा कि दैट इज एन फाइनेंशियल मिस्टेक। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मुझे इसमें एक थोड़ा सा बात ऐड भी करनी है। सुपर बाइक पे आप जब भी जंप करते हो ना, अपना एक मेंटेलिटी रहता है, आप जब भी जंप करते हो, व्हाट हैपेंस इज, इवन दिस हैपेंड विद मी, मैं डोमिनार चला रहा था और डोमिनार का मेंटेनेंस कॉस्ट, मैंने ये सोचा कि मुझे 100cc अपग्रेड करना है, मैंने ये सोचा कि मुझे एक्स्ट्रा पावर मिलेगा, एक्स्ट्रा लेट्स से 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ, लेकिन ये भी बात अपने को सोचनी है कि मैं एक पूरा क्लास, एक पूरी कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ। आई एम गोइंग फ्रॉम अ इंडियन स्टैंडर्ड बाइक टू अ ग्लोबल प्रीमियम बाइक, तो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसका जो मतलब उसको रखने की, उसको संभालने की जो कीमत है ना, वो भी उसी फैक्टर से बढ़ेगी। एक हाथी है एग्जैक्टली,
तो वो आपको सोचना चाहिए. इट्स नॉट जस्ट लाइक कि मैंने डोमिनार चलाई है, अब मुझे प्रीमियम बाइक में अपग्रेड करना है, मेरे पास बजट है तो मैं करूँगा. लेकिन वो बजट आपको सिर्फ परचेस के लिए नहीं है, वो बजट आपको आगे की हर सर्विस में, हर स्पेयर पार्ट रिप्लेसमेंट में, हर चीज़ में वो बजट आपके आपको कंसिडर करना पड़ेगा. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत से लोग मिस कर जाते हैं, नहीं सोचते इसके बारे में. इट्स लाइक हिडन कॉस्ट, हिडन कॉस्ट एस्टेरिक मार्क करके छोटे अक्षरों में लिखा हुआ. एंड वॉट हैपन्स इज, आप जितने भी YouTube रिव्यूज़ वगैरह देखते हो ना, कोई ये बात आपको बताता नहीं है कि वो उसका प्राइमरी बाइक नहीं है, वो प्राइमरी यूज़ के लिए कोई और एकदम बजट वाला बाइक यूज़ कर रहा है. एंड दिस बाइक इज़ लाइक फॉर शो ऑफ या फिर सिर्फ वीकेंड पे निकालने के लिए. और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं निकालता हूँ गाड़ी, तो अभी मेरे पास एक ही बाइक है, मैंने डोमिनार एक्सचेंज करके बेनेली लिया है, या फिर जब इसने बेनेली 600 आई लिया, आई थिंक यू हैड नो अदर बाइक एट दैट टाइम. टीवीएस एंटॉर्क, एग्जैक्टली. सो वॉट हैपन्स इज दैट बिकम्स योर प्राइमरी बाइक. आपका रनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस टाइम पे फिर आपको मेंटेनेंस कॉस्ट उसका दिखने लगता है. सो दिस पॉइंट अबाउट प्रिपेयर्डनेस इज वॉट टेक्स अस टू द नेक्स्ट स्टेप. कि बेनेली वॉज एज ही सेड कि इट वॉज अ मिस्टेक, कि चलो ज़्यादा सोचे बिना वो लिया हुआ था बाइक. लेकिन बेनेली के बाद नाउ द बाइक दैट इज सिटिंग ऑन दिस इज लाइक अ मॉन्स्टर. तो वॉट वॉज योर थॉट अबाउट दिस बाइक नाउ? बस लेना है तो लेना है. इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था, बस मुझे बेनेली ऑन किया. उसके बाद मैंने RC ऑन किया था, फुल फेयर बाइक. तो मुझे फुल फेयर में जाना नहीं था क्योंकि मुझे मालूम था उनका पोस्चर और वो वैसा ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं रहने. मतलब नो मैटर हाउ व्हाट दे क्लेम, वो आपको कंफर्ट नहीं देगा, कंफर्ट नहीं देने वाला है. तो फिर स्ट्रीट फाइटर भी मैंने यूज़ किया था, बेनेली 600 है, तो वो भी ऑप्शन नहीं था मेरे पास, बस कावासाकी का जी सीरीज था. लेकिन आगे कावासाकी के सर्विस इशू और ये सब थे. तो हार्ली का बहुत सुना है पहले से, मतलब बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि हार्ली डेविडसन इट्स मेन बाइक. इट्स लाइक हार्ली डेविडसन का मतलब जैसा रॉयल एनफील्ड का नाम है इंडिया में, वैसा हार्ली डेविडसन का नाम है पूरी दुनिया में है. तो वही था. तो मुझे एक बस एक प्राइड, US का जो प्राइड है वो मुझे ओन करना था. इन योर सिटिंग ऑन अ हार्ली डेविडसन वेयरिंग अ BMW कैप, व्हाट इज दैट अबाउट? बिकॉज़ मेरे पास BMW GS 300 भी है, वो भी ओन कर रहा हूँ. तो लेट्स से अभी ये बाइक ऐसी है कि नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड दिस बाइक, दिस इज नॉट प्राइमरी बाइक, बट हाउ अबाउट BMW, व्हाट यू फील अबाउट दैट? दैट इज क्वाइट इकोनॉमिकल बाइक, मतलब उसमें उतना कुछ नहीं है, 300 cc बाइक है BMW. हाँ, BMW का नाम लगा हुआ है, लेकिन अगेन इट इज अफोर्डेबल. 10,000 किलोमीटर पे सर्विस चलता है उसका, और सर्विस कॉस्ट भी उतना ज्यादा नहीं, और BMW का सर्विस डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल है. मतलब उनका सपोर्ट एंड एवरीथिंग इट्स वेरी गुड. और बाइक में वैसे तो कोई इशू नहीं आता है वो BMW के. इसका ये तो हाथी है, इसको रोड पे निकल के लेके चलो तो आपको बहुत, मतलब बम्स देखो, फिर पॉटहोल्स देखो, ये सब संभाल के चलना पड़ता है. करजत सिटी से घर आने तक आपने जो एक्सपीरियंस लिया मतलब इसका एक बात अलग है. मतलब आप समझो ना, आप मर्सिडीज नहीं तो जगुआर ओन कर रहे हो, तो उसको उसकी तरह से रखना पड़ेगा आपको. तो उसके लिए अगर आपको ये बाइक लेना है तो आपको एक ऑप्शनल बाइक हाथ में रखना पड़ेगा. सो दिस कैन नॉट बी योर प्राइमरी बाइक? नो, नॉट एट ऑल. इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है और इसका राइडिंग एक्सपीरियंस मुझे कब मिलेगा? आप बोलोगे तो आप, हम लोग नेक्स्ट एक राइडिंग ब्लॉग बनाते हैं. व्हाट डू यू से, यू वुड लाइक टू सी समथिंग लाइक अ फर्स्ट राइड रिव्यू और समथिंग लाइक दैट? हाँ, आप चलाओ तो आपको अच्छा लगेगा. मैं बताऊँ, मैं मतलब चलाऊँ, मैं बताऊँ, उससे अच्छा आप चलाओ, आपको एक्सपीरियंस आएगा, आप बता पाओगे, ऑनेस्ट रिव्यू दे पाओगे जो अपने व्यूअर्स है उनको. आई थिंक ये मेरा एक आखिरी क्वेश्चन था स्वप्निल के लिए, कि आपका इस बाइक के बारे में एक्सपीरियंस कैसा है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस बाइक. बट आई थिंक व्हाट स्वप्निल सेइंग इज करेक्ट. अगर मैं उसको पूछूंगा वो बताएगा, उससे अच्छा है अगर मैं खुद चलाऊंगा और फर्स्ट हैंड आपको बताऊंगा कि मुझे चलाते वो बाइक कैसी लगी. मैं अच्छा ही बोलूंगा, मैं क्यों बुरा बोलूंगा. हाँ, एग्जैक्टली. इतना पैसा खर्च किया है, बुरा नहीं बोल सकता. एग्जैक्टली, बुरा मैं बोल सकता हूँ, मेरी बाइक नहीं है, मेरा पैसा नहीं लगा इसमें. ऑनेस्ट रिव्यू जो भी. एग्जैक्टली. सो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन. तो लेट्स सी, अगले 2-3 दिन में अगर पॉसिबल हुआ तो बनाएंगे इसके बारे में एक फर्स्ट राइड रिव्यू सॉर्ट ऑफ अ वीडियो. बट देन अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे एक जो एम था, जो मोटिव था ना, दैट वॉज क्वाइट डिफरेंट. आई डिडंट वॉन्ट टू शो यू दिस बाइक, आई डिडंट वॉन्ट टू शो यू हाउ मच वी हैव रिडन और हाउ मच वी हैव रिडन टुगेदर. वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू इज आपको कैसे बाइकिंग का एक्सपीरियंस आता जाता है, एंड हाउ यू ग्रो एज अ पर्सन, हाउ यू ग्रो विथ योर डिसीजंस एंड अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स एंड एक हर एक चीज़, हर एक छोटे छोटे लाइफ के पहलू पे आपका ये राइडिंग एक्सपीरियंस कैसे इन्फ्लुएंस करता है,
ये बात मुझे इस वीडियो से आपको दिखानी थी. आई थिंक वी बोथ वेयर एबल टू शेयर सम पर्सपेक्टिव्स अबाउट दैट एंड आपको इन्फॉर्मेशन, कुछ तो इन्फॉर्मेटिव इसमें से वैल्यूएबल बात मिली होगी. एंड ऑफ द डे मैं भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बाइक्स यूज़ की बहुत से, 100 cc से लेकर अब ये 1600 cc बाइक हैं. तो ऐसा नहीं था कि जर्नी एकदम ईजी रहा, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए इसमें भी. ऐसा नहीं कि पूरा एकदम फ्लॉलेसली चल रहा है और हम लोग ये बाइक राइड्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं. बहुत लोगों को लगेगा यार कैसे ड्रीम पूरा करते हैं लोग. नो, आई विल टेल यू अबाउट दिस. ड्रीम पूरा करना ये जो बोल रहा है ना, आपने अभी इसी के मुंह से सुना, स्वप्निल के मुंह से. आई रियली फील प्राउड अबाउट स्वप्निल की वो इस तरह से कर पाया है. मैंने जो बताया, इनफैक्ट स्वप्निल ने जो बताया कि एवेंजर उसने कर्जत सफाए, कर्जत अप डाउन, देन ही सेड आपका इस पे पल्सर NS पे रत्नागिरी अप डाउन जो चलता था, दीज आर ऑल हिज वर्क राइड्स. ही हैड प्रोजेक्ट्स रनिंग ओवर देयर और उसमें से एक भी मेरे ख्याल से आपका लीजर राइड नहीं था या फिर एक्सप्लोरेशन नहीं था. नहीं, कोई भी नहीं था, बस रिगार्डिंग वर्क ओनली. सो ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर 2.5 साल में 3 साल में आराम से वो आपने सिर्फ बाइक पे किया वर्क के लिए. एग्जैक्टली, एंड दैट इज हाउ ही हैज रीच्ड हियर. सो ऐसा नहीं है कि बाइक, एक सुपर बाइक तक पहुंचना आसान होता है. ये क्यों कहा मैंने, बिकॉज यंगस्टर्स भी देख रहे हैं हम लोगों को, तो ज़्यादा उनको इंस्पिरेशन रहता है कि बाइक्स एंड एवरीथिंग. सो तुरंत आप बोलोगे घर पे जाके कि मेरे को ये बाइक लेना है या ये कुछ करना है, तो उसके पीछे भी लंबी स्टोरी है, तो उसके ऊपर भी एक ब्लॉग बनेगा, मतलब बन सकता है. एग्जैक्टली, देर इज ऑलवेज अ स्टोरी अबाउट एवरीथिंग. आपको सिर्फ एंड रिजल्ट दिखता है कि ये बाइक आई, मैंने बेनेली 502 लिया, वो डिलीवरी का ब्लॉग बनाया, लेकिन उसके पीछे का जो जर्नी है ना, वो जर्नी ऑलमोस्ट हमारा दोनों का सेम है. जहाँ से हम आए हैं, जितना मेहनत उसके पीछे लगी है कि वी हैव बीन एबल टू अफोर्ड दैट बाइक. एग्जैक्टली, तो वहाँ तक पहुँचने का जो जर्नी है ना, वो शेयर करने की कोशिश इस वीडियो में से की है. एंड आई सिंसियरली होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, थम्स अप जो नीचे से छोटा सा ऐसा अंगूठा रहता है ना, उसको दबाओ. सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो. काउंटिंग सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा. यस, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका राइड रिव्यू आपको नहीं मिलेगा. बेल बटन वगैरह नोटिफिकेशन सब ऑन करके रखना पड़ेगा. तो अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, होपफुली विद दिस बाइक, इफ नॉट विद सम अदर स्टोरी, सम अदर इन्फॉर्मेशन. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी. कीप काउंटिंग किलोमीटर्स.